सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप असाइनमेंट राइटिंग का, एसे राइटिंग का, ट्रांसलेशन का, थीस का और बुक राइटिंग का काम कर सकते हैं। और अगर बात की जाए पे आउट की, तो आप लोग डायरेक्ट अपने इजी पैसा के अकाउंट में अपना विड्रॉ ले सकते हैं, और जिनके पास इजी पैसा अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पर पायोनियर को अटैच कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर एक पेज लिखते हैं और बिगनर है, तो आप लोग यहाँ से $4 से लेकर $12 तक अर्न कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो बिगनर है, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी यहाँ पर एक एक पेज लिखकर $4 की अर्निंग कर सकता है। एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को पॉपुलर टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, तो इस प्लेटफॉर्म ने आपको खुद ही बता दिया कि अगर आप लोग बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, हिस्टोलॉजी, इस तरह के यहाँ पर टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखते हैं या फिर ट्रांसलेशन करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर पेज के $4 अर्न कर सकते हैं। तो है ना जबरदस्त प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हर काम आपकी मर्जी का होगा। आप लोग यहाँ पर असाइनमेंट राइटिंग, एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, बुक राइटिंग, अगर आप लोग वाकई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं और पर पेज के $4 अर्न करना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आप इस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, ये सब कुछ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपने काम कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको सारे मेथड की अच्छे तरीके से समझ आए। अब जैसे ही आप लोग भी अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपके पास आपका डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो है वो अवेलेबल बैलेंस जो होगा, और आपने एक मंथ में कितनी अर्निंग की है, वो भी आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग जैसे जैसे टास्क को कंप्लीट करते जाएंगे, वो यहाँ पर आपके शो होते जाएंगे। ठीक हो गया। जो पेंडिंग में है वो भी यहाँ पर शो होंगे। अगर आप लोग यहाँ पर जो है वो एक्सपर्ट है, बिगनर है या इंटरमीडिएट के हैं, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आपके काम के हिसाब से यहाँ पर आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको टास्क कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो आपका लोगो है नेम वाला, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। अब आपने सिंपली यहाँ पर टास्क फॉर यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर $1 से लेकर $100 तक के यहाँ पर टास्क दिए जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, बुक राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट ऐसे राइटिंग लिखकर, यानी कि पोएट्री यहाँ पर क्रिएट करके, इस तरीके से छोटे छोटे आप लोग यहाँ पर टास्क कंप्लीट करके अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आप लोग यहाँ पर खुद ही बताएंगे कि आप लोग यहाँ पर एक पेज का काम करके देंगे, दो का करके देंगे या तीन का करके देंगे, ये भी आप पर ही डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, नीचे यहाँ पर आपके पास टास्क आ जाएंगे। ठीक हो गया। अगर आप लोग यहाँ पर एक बुक को राइट करते हैं, तो आपको यहाँ पर $100 दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस टास्क को कंप्लीट करते हैं, ये भी बुक राइटिंग का है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर $100 दिए जाएंगे। उसके बाद ये भी है असाइनमेंट वर्क है, इसको आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, तो आपको यहाँ पर $10, इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को असाइनमेंट वर्क, बुक राइटिंग वर्क मिलते जाएंगे, जिनको आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, तो आपको यहाँ से $10, उसके बाद यहाँ पर $100, $25, $60, इस तरीके से आपको यहाँ से अर्निंग होगी। और अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे को राइट करते हैं, तो आपको यहाँ पर $5 की अर्निंग होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऐसे को राइट करना चाहती हूँ, तो सिंपली आप लोगों ने जैसे कोई भी टास्क यहाँ पर कंप्लीट करना है, उसके लिए अप्लाई करना है, सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप किसी भी एक टास्क के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पर जो है वो ऐसे को किस तरीके से लिखना है, चाहे आप लोग यहाँ पर बुक को राइट करने वाले हैं, चाहे आप लोग यहाँ पर असाइनमेंट को राइट करने वाले हैं, तो इस तरीके से ही आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी गई है कि आपने यहाँ पर कितने वर्ड्स का यहाँ पर ऐसे लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर बता दिया गया है कि मैंने यहाँ पर 100 वर्ड्स का यहाँ पर जो है वो ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर जो है वो अगर मैं इस ऐसे को लिखती हूँ, तो मुझे यहाँ से $5 मिल जाएंगे। ठीक हो गया। एक मेन बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग का, बिजनेस का, तो आपने क्या करना है, आपने इन टॉपिक्स को यहाँ पर नहीं लिखना, ये आपको एग्जांपल के तौर पर बताया गया। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर जो है वो आपको टॉपिक कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ऊपर ही आपको टॉपिक दिया गया ये वाला, आपने इस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पर 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना है। ठीक हो गया। अब आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसको आप लोगों ने यहाँ पर इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक हो गया। अब कॉपी करने के बाद आपने सीधा आ जाना है गूगल में, और गूगल में आकर आपने ChatGPT को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आपने जिस टाइटल को कॉपी किया था, आपने उसको जो यहाँ पर ChatGPT में लाकर पेस्ट करना है। देन आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखना है राइट एन आर्टिकल। सॉरी मेरा आर्टिकल नहीं है, मेरा ऐसे है।
तो आपकी असाइनमेंट होगी, आर्टिकल होगा या बुक राइटिंग होगी, जो भी होगा आपने यहाँ पर वही सर्च करना। ठीक हो गया, अब सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे ही आप यहाँ पर जो है वो चैट जीपीटी को अपना प्रॉम्प्ट दे देते हैं, देन आपने यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना। ठीक हो गया, अब जैसे ही आप यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो चैट जीपीटी यहाँ पर आपको जो है वो आपके टाइटल से रिलेटेड क्विकली यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा ऐसे यहाँ पर राइट करके दे देगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस ऐसे को यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेना। ठीक हो गया, अब जैसे ही आप यहाँ पर अपने इस ऐसे को कॉपी कर लेते हैं, आपने स्पिन बोर्ड में जाना है, इसके अंदर जितना भी प्लेयरिज्म है आपने उसको रिमूव कर लेना है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर चैट जीपीटी से अपने ऐसे को अपनी असाइनमेंट को राइट करवा लेते हैं तो आपने अगेन जो है वो अपनी वेबसाइट में आ जाना है। वेबसाइट में आने के बाद अब आपने सिंपली यहाँ पर जो है वो अपने आर्टिकल को इस तरीके से पेस्ट नहीं करना। कैसे पेस्ट करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। सबसे पहले अब आपने यहाँ पर जो है वो अपने टास्क को कैसे सबमिट कराना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक फॉर्म आएगा। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, आपने यहाँ पर अपनी ईमेल डाली है, ईमेल को यहाँ पर आपने अगेन कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग जो भी काम कर रहे हैं यानी कि बुक राइटिंग का, असाइनमेंट का, ट्रांसलेशन का या फिर ऐसे राइटिंग का, तो मैं यहाँ पर ऐसे राइटिंग कर रही हूँ तो मैंने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, तो प्रोजेक्ट का नेम आपको कहाँ से मिलेगा, ये ऊपर ही आपको जो है वो आपके प्रोजेक्ट का नेम मिल जाएगा। ठीक हो गया, आपने सिंपली यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट के नेम को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर जो है वो इसको लाकर पेस्ट कर देना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब सिंपली हमने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने चैट जीपीटी से अपने जो भी ऐसे को या असाइनमेंट को राइट करवाया है आपने सिंपली उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर ये सारे के सारे फॉर्म को फिल कर देते हैं, देन आपने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज रिसीव हो चुका है, वी फॉरवर्ड योर टास्क टू आवर क्लाइंट फॉर रिव्यू, कि आपका टास्क जो है वो आपके क्लाइंट के पास जा चुका है, वो उसको रिव्यू कर रहा है और 10 मिनट्स के अंदर भी आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल सकता है या फिर कुछ घंटे के बाद भी आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल सकता है। थैंक यू, आपने यहाँ पर जो है वो इस टास्क को सबमिट करवाया। अब इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर जो अपने टास्क को सबमिट कराते जाना है और यहाँ से अपनी अर्निंग रिसीव करते जाना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर जो है वो अपने टास्क को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, सबमिट कराते हैं, तो फौरी तौर पर आपको अर्निंग नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्लाइंट सबसे पहले आपके टास्क को जो है वो रिव्यू करता है, उसके बाद ही आपको यहाँ से अर्निंग होगी। अगर उसको आपका जो है वो ऐसे या असाइनमेंट या बुक राइटिंग उसको आपकी पसंद आती है तो ही आपको यहाँ से अर्निंग होगी। अगर आप लोगों का ऐसे यहाँ पर अच्छे से नहीं होगा तो वो आपको कोई भी पेमेंट नहीं देगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो है वो अपने आर्टिकल को, अपनी असाइनमेंट को अच्छे तरीके से राइट करना है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने ऐसे को, बुक राइटिंग को चैट जीपीटी से राइट करवाते जाएंगे और यहाँ पर लाकर आप लोगों ने जो अपने सारे के सारे टास्क को कंप्लीट कर देना। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आप लोग एक एक टास्क के ऊपर $25, $100, $10, $5 इस तरीके की अर्निंग कर पाएंगे। तो है ना जबरदस्त आप प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोगों को हर तरह का काम मिलता है। अब जैसे ही आपकी यहाँ पर अर्निंग बनना स्टार्ट हो जाती है तो विड्रॉ भाई आप लोगों ने यहां से कैसे लेना है, सबसे पहले बात ही विड्रॉ की जाती है। तो अब मैं यहां पर आपको बताऊंगी कि आपने यहां पर कैसे विड्रॉ लेना है। तो यहां पर आपको ऊपर जो 4 लाइंस नजर आ रही है आपने सिंपली यहां पर इन 4 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपने माई डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहां पर माई डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं डायरेक्ट यहां पर आपके पास आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहां पर आपको ऊपर जो 3 लाइंस नजर आ रही है आपने सिंपली इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने पे आउट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर पे आउट्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है, तो पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक यहाँ पर कॉन्फिगर का और विड्रॉ का। आपने सिंपली यहाँ पर कॉन्फिगर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उन्होंने यहाँ पर पेपाल को यूज करना है और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो यहाँ पर बैंक ट्रांसफर और इजी पैसा को यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इजी पैसा को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने इजी पैसा का नंबर लिखना है, देन आपने यहाँ पर सेव इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने यस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक हो गया, अब जैसे ही आप यहाँ पर यस कंटिन्यू
कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है वो पेमेंट मेथड अटैच हो चुका है, ठीक हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपने पेमेंट मेथड को अटैच करते हैं तो आपने अपना विड्रॉ किस तरीके से लेना है, सिंपली आपने यहाँ पर विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक मेल रिसीव होगी कि आपके यहाँ पर तकरीबन 12 टास्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जिसकी आप लोगों को अर्निंग भी हो चुकी हो। इस तरीके के आपने यहाँ पर 12 टास्क कंप्लीट करने हैं। जैसे ही आपके यहाँ पर 12 टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन जो है वो एनेबल हो जाएगा और डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इजी पैसा के अकाउंट में विड्रॉ ले पाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करके यानी कि यहाँ से $25 $100 इस तरीके से की अर्निंग करके यहाँ से अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो है ना जबरदस्त सा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको हर तरह का काम मिलता है और वो भी आपकी मर्जी का काम मिलता है। आई होप आपको सारे काम की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि आपने किस तरीके से जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है और कैसे आप लोगों ने यहाँ पर टास्क कंप्लीट करने हैं। अगर कहीं से समझ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे अकाउंट को क्रिएट करना है तो चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके पास इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपने सिंपली यहाँ पर 4 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से साइनअप का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने सिंपली यहाँ पर साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड लिखना है, यूजर टाइप के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फ्रीलांसर ही रहने देना, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, फोन नंबर लिखना है एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है सिलेक्ट योर इंग्लिश लेवल। आपने यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने सेकेंड ऑप्शन कन्वर्शनल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कंट्री यानी कि जो भी आपकी कंट्री है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने स्टेट यानी कि सूबे यानी कि पंजाब सिंध बलोचिस्तान आप जिस भी सूबे से बिलोंग करते हैं आपने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे देन आपने यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देन आपका यहाँ पर प्रॉपरली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।